लोकसभा चुनाव के छठवें दौर में भिंड दतिया लोकसभा सीट के लिए 12 मई के दिन वोटिंग जारी है। चुनाव में कोई हिंसा ना हो या किसी प्रकार की कोई घटना ना हो उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए प्रत्याशियों को सर्किट हाउस में नज़रबंद कर दिया है। यही नहीं, विधायकों, पूर्व विधायकों और कई बड़े नेताओं को भी सर्किट हाउस में या उनके घर पर नज़रबंद कर रखा गया है। यहाँ पर हम सर्किट हाउस पर मौजूद हैं, यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जरारिया नज़रबंद हैं, उनके साथ ही कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष पिंकी सिंह भदौरिया भी नज़रबंद हैं। आइए बात करते हैं देवाशीष से कि आखिर उनको क्यों इस प्रकार से नज़रबंद कर रखा गया है। देवाशीष जी, देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं क्यों नज़रबंद किया। सुबह नौ बजे विधायक जी की आवाज़ पर पहुँचा था, रणवीर जी की आवाज़ पर, उसके बाद दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आप नहीं जा सकते और सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है, ये बोला है हमसे। अब क्यों नहीं निकलने दिया आप? हम मुझे अकेले को नहीं रोका, सभी को रोक लिया है, तो ऐसा कहीं देखा तो नहीं है और मेरा पहला अनुभव है ये, पता नहीं क्यों रोक लिया। आपको खाना पीना भी यही दिया गया है सर्किट हाउस में प्रशासन द्वारा दिया गया है जी? वो खाना पीना सब व्यवस्था यही की गई, पहले कमरा नहीं था लेकिन कमरा बाद में करना चाह रहे हैं। इस बीच में आपने और गोहद विधायक रणवीर जाटव ने बाहर जाने की मांग भी की थी और पुलिस से आपकी थोड़ी बहस भी हुई थी। अब वो क्या है कि हमारे पास कमरा नहीं था, कोई ये कमरा नहीं खुला हुआ था, क्योंकि वहाँ हम लोग काफ़ी देर से गर्मी बैठे हुए, तो हमने कहा कि 4-5 घंटे हो चुके हैं तो टायर्डनेस फील हो रहा है, कम से कम सामने ही विधायक जी का आवास है तो विधायक जी आवाज़ पे चले जाने दीजिए, वहाँ पर आप फोर्स वहाँ तैनात कीजिए, यहाँ बैठे हैं वैसे कम से कम कमरे में तो बैठ जाएंगे, ये कमरे खुले नहीं थे। तो मना किया, तो हमने कहा हम आपको कब से कॉपरेट कर रहे हैं, आप हमसे कॉपरेट कीजिए, हम कोई अपराधी तो है नहीं, मुझे अपने दिन बर्बाद दर्ज किया तो आप हमें गिरफ्तार करने का शो कर, गिरफ्तारी और गिरफ्तार के लिए गिरफ्तारी शो कर दीजिए, तो फिर वो आपने ये कमरा खुलवा दिया। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पिंकी जो जिला पंचायत सदस्य हैं और कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष हैं। वह एक पोलिंग बूथ पर अपनी पोलिंग चेक कर रहे थे, बूथ को चेक कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उनको वहाँ से उठाया है। पिंकी जी, क्या कहते हैं आप इसे कि ये लोकतंत्र की हत्या है क्या? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, मैं तो अपना वोट भी नहीं डाल पाया हूँ और मुझे उठा लिया गया, मैं तो चेक करने गया था पोलिंग को, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी, वहाँ पर हमारे लोगों ने हमें बुलाया कि भाई साहब यहाँ पर गड़बड़, मैं चेक करने गया, मुझे वहाँ से उठा लिया गया। तो किसने उठाया आपको? मुझे थाना प्रभारी ने, छारी जी ने, उमरी थाना प्रभारी जी। किसके कहने पर उठाया गया आपको? एसपी साहब के कहने पर, एसपी साहब का आया था, एसपी साहब ने और छारी जी ने। लगभग कितने घंटे आपको यहाँ बैठे सर्किट हाउस में हो गए? कम से कम हो गए हैं 5 घंटे हो गए। यहाँ पर सभी प्रत्याशी और उनके हाउस में बैठे हुए, यही नहीं कांग्रेस के साथ ही भाजपा प्रत्याशी संजय राय भी सर्किट हाउस में, बाबूलाल जामोर भी सर्किट हाउस में ही मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग कमरों में बिठाया गया है सभी प्रत्याशियों को, ताकि कोई उपद्रव ना हो सके। आइए बात करते हैं संजय राय जाटव से। संजय राय भी पुलिस कस्टडी में सर्किट हाउस में बैठी हुई हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर निर्वाचन के दिन उनको किस लिए सर्किट हाउस में बिठाया गया है। जी संजय, देखिए भैया ऐसा है, हम लोग तो सुबह ही अपना मतदान करने वहाँ गई थी और वहाँ से आते ही गोरमी में मैंने कुछ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, उसके बाद मेहगांव होती है गोहद गई, गोहद से फिर पुलिस प्रशासन यहाँ तक ले आया और जब तक हम नहीं बैठी हुई। आपको नहीं लगता कि एक लोकतंत्र की हत्या, एक प्रत्याशी जिसको अपने घूमकर लोगों से वोट डालने की अपील करनी चाहिए, अपना निर्वाचन क्षेत्र देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है? अच्छा होता अगर हम लोग बाहर होते, कार्यकर्ता में उत्साह रहता है, प्रत्याशी भी अगर मिल लेता है तो थोड़ा सा उत्साह की उसमें उमंग रहती है और कार्यकर्ता उत्साह से और लगता है, क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसमें हमें भी सहयोग करना था। ये कहना है प्रत्याशियों का कि प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें उन्हें सहयोग करना है। सारे प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी न किसी कारण से जो उनके साथ के लोग हैं, विधायक, पूर्व विधायक और बड़े बड़े नेता, सभी सर्किट हाउस पर या उनके घरों में पुलिस द्वारा नज़रबंद किए गए हैं। परानिधेश भारद्वाज, न्यूज़ लाइव, MP.com।